हाँ जी स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गौर से देखना है, ट्रीट करना है कि आप पेपर दे रहे हो, क्योंकि जितने जे पेपर के हैं टाइमिंग भी नोट कर रहा हूँ मैं, 2 घंटे में कम से कम कुछ अच्छा ही हो जाए डिस्कशन, अच्छी बात है। ये पेपर है क्वेश्चन 2 घंटे नहीं नहीं थोड़ा 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 फास्ट कीजिए 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 आप, हाँ कीजिए 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 कीजिए, ठीक है थोड़ा फास्ट करते हैं, अभी छोड़ दूंगा 1 घंटे में, ठीक है डन। बहुत सिंपल, बिल्कुल सही बात है, ऑसम। सेकंड क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, क्या आपका भी यही आया, गुड गुड, इसका कीजिए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम पोजीशन का दे रखा है, का आंसर जो है ऑप्शन सेकंड या थर्ड है। अच्छा सेकंड गलत क्यों है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए थर्ड ही आंसर है। चलिए फोर्थ कीजिए, सॉरी थर्ड कीजिए, सेकंड नहीं क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है सेकंड है, रॉन्ग आंसर इसका सेकंड है, क्वेश्चन में थर्ड पे आ जाते हैं।
कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद आपका? देखिए दो इक्वेशन बनाना है आपको, देखिए गौर से कौन कौन से हम लेकिन ऑप्शन तो कोई नहीं है। आपका इक्वेशन क्या क्या बना है? नहीं नहीं इसके लिए बनाओ, स्ट्रिंग के लिए। देखो ऐसे करोगे, ये जो लटका हुआ जो है इसमें क्या है, इसका M1 जी नीचे, टेंशन ऊपर है ना, और ए वाला एक्सेलेशन ए, तो M1 जी माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेशन। फिर जो बैठा हुआ है उसका करते हैं M2A, नहीं नहीं ऐसे ही बनेगा। देखिए हाँ नहीं नहीं आपको बताता हूँ ना, फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा। इसमें लगोगे सेकंड इक्वेशन बनेगा टी माइनस म्यू M2 प्लस M1 Mg इक्वल टू M2 प्लस M इंटू ए, ये दो इक्वेशन बनेगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेना। नहीं 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 तब तब नहीं तब नहीं आएगा ना, मैं फिर से बता रहा हूँ इसका जो, क्योंकि दोनों के दोनों ब्लॉक जो है ना ये नीचे जाएंगे ही जाएंगे, ये वाला जितना इसका एक्सेलरेशन नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा उसे। अच्छा एक सेकंड सुनो 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 सुनो, यू आर राइट। अगर मैं ये बोल रहा हूँ आप कि बोल रहा है कि मिनिमम कितना वेट होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन हम क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। उस केस में ए वाली जो वैल्यू हो जाएगी हमारी अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे ए वाली टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। तो मतलब इक्वेशन बनाना सिखाने का पर्पज़ था और कुछ नहीं था। चलिए जी क्वेश्चन में थर्ड पे आ जाइए, फोर्थ पे आ जाइए, आपका आ गया अक्षत। चलिए जस्ट राइट दिस वैल्यू फास्ट, आ गया। ऐसा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यू दिया हो कैसे निकालते हैं। डीआर पता है ना आप लोगों के, ए वाला फार्मूला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब भी अगर यू होता है तो फोर्स निकालने का एक ही फार्मूला होता है, पता है ना। इससे ए वाला इससे डिफ्रेंशिएट करके आप फोर्स निकाल लो, और फोर्स क्योंकि गोल गोल घूम रहा है तो MV² / R कर दो, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर दोनों को ऐड करो। जल्दी करो सर, चार ऑप्शन भी देखना, आप ऑप्शन देख लो आप लोग, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, जीरो है एक कुछ है, पहले तो आप लिख लो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू, डिफ्रेंशिएट कीजिए जल्दी से इसको, मानिए पेपर में आया है क्वेश्चन है सारे। तो हाँ जब डिफरेंशिएट किया तो अब फिर उसको MVR, जब फोर्स विल बी इक्वल टू उसको इक्वेट कर दो। हाँ यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर पोटेंशियल एनर्जी तो खुद ही दोनों को ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है। ठीक है आंसर आप बताओ कितना, आंसर तो जीरो ही है।
हाँ मैं बता रहा हूँ, जब भी अगर आपको यू दिया हुआ हो और यू से अगर आपको एफ निकालना हो तो आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी टी। और आपको पता है क्योंकि जो बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हम इसको लगाएंगे एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसने खुद दे दिया हुआ है, दोनों का ऐड करोगे क्योंकि टोटल एनर्जी जो होता है दोनों का क्या होता है, समेशन होता है इसका। इसको सॉल्व करो, हाँ सॉल्व करो जल्दी से इसको, सॉल्व मैं भी कर देता हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पे करोगे तो एफ माइनस डी अपॉन डी, ऐसा लग रहा है हम लोग प्लेन में बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है यहाँ देखिए, थोड़ा बहुत आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या कि आर टू द पावर 3 हो गया। अब इसको इक्वेट करो के बाई आर टू द पावर 3 एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से आर से आर कट जाएगा तो के अपॉन कितना आ जाएगा ये बताओ, के अपॉन आ जाएगा 2 आर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कितना दे रखा है, कितना दिया दोनों, बिल्कुल सही बात है, 0 आंसर है। तो ऐसे कर देते हैं, इसका फॉर्मूला आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो तरीका आपको तो आ ही गया किसी को, तो इसी तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, आपको अक्षत को आ गया क्या, कैन यू हियर मी, प्लीज डू दिस क्वेश्चन 5 कीजिए क्वेश्चन 5, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कराया हुआ आपको। इसमें जिसको फॉर्मूला आता है तुरंत कर कर दिखा देगा, कोई तामझाम नहीं है, जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो रोएगा, वो देखना। अभी मैं आपको सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ, लेकिन जब आप वहाँ पर बैठिएगा तो सीक्वेंस वाइज करना जरूरी नहीं है, जो पहले आता है उसी को करना है, ठीक है। नहीं, किया नहीं है, मैंने बताया हुआ है कि अभी तो हम टोटल करेंगे, सिक्वेंस वाइज करेंगे, लेकिन व्हेन यू आर गिविंग द मॉक और एनी योर रियल पेपर यू जस्ट हैव टू वट एवर क्वेश्चन। हाँ, डन विद इन 5 to 10 सेकेंड, 1 मिनट इन द फर्स्ट राउंड, ऐसे करते हैं। फिफ्थ कीजिए, फिफ्थ करिए कि ये तो बड़ा फार्मूला बेसिस पे है, देखना आपको अगर इफ़ यू नो द फार्मूला ना, इट्स विल बी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन।
कैसे किया आपने? देखिए, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दे हैव गिवन यू ना कि एक बॉडी है जो क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, ये कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल का स्पीड कितना दिया हुआ है बताइए, वी नो, और उसका मास कितना दिया हुआ है, एम। एक और पार्टिकल है जो कि बैठा हुआ आराम कर रहा है, स्टेशनरी है, ये क्या कर रहा है कि आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड जो हो जाती है, ये हो जाती है एम, ये हो जाता है वी वन, ये होता है स्पीड एम, ये होता है वी टू, इसको बोलते हैं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो अब क्या होता है आफ्टर कोलिजन, इसने बोल दिया, एक बड़ा अच्छे से क्लू दिया हुआ है, क्या क्लू दिया हुआ है कि इफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो बोला 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, अगर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी अगर वन है और फाइनल कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ द ओरिजिनल, तो मतलब 3/2 इंटू 1/2 mv² आया समझ में क्या? अच्छा, और इनिशियल था कितना, दिस इज वी नॉट। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दोनों कोलाइड कर दिए, नहीं, ये तो फाइनल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये वाला 1/2 v1² क्योंकि देखिए ये फाइनल वाली जो वैल्यू होगा ये दोनों का बराबर होगा, हाँ या ना, क्योंकि हम फाइनल की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज करके इन दोनों को लिखते हैं कि नहीं, 1/2 mv² ये थोड़ी ना होगा, हम फाइनल की बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा लिखेंगे। चलिए, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख लिया, एक और इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या इक्वेट कर दोगे, मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था आपके पास, वी नॉट प्लस जीरो विल बी इक्वल टू 1/2 v0 + v2, हाँ या ना, आप दोनों को सॉल्व करोगे ना तो आपको आ जाएगा, देखो v1 + v2 विल बी इक्वल टू क्या करोगे बताइए, वी नॉट। अच्छा, क्यों, हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग वाला टर्म आ रहा है, mm कट गया और 2 से 2 भी कट गया, तो ये वाला आ गया v1² + v2² का एक फॉर्मूला कितना आ गया बताइए, यहाँ पे विल बी इक्वल टू 3/2 v0² इसका भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे ना, करो स्क्वायरिंग जल्दी जल्दी से, तो इसकी वैल्यू आपको वी नोट के टर्म में पता है ना, अभी ऊपर ऊपर निकाला था हम लोगों ने, v0² + v2² + 2 v1 v2 विल बी, अभी ऊपर निकाला अभी हम लोगों ने, तो अब देखो इसकी जगह पे क्या पुट करो जल्दी बताओ, देखो इसकी जगह पे निकाला ना अभी मैंने 3/2 v0 2 v1 v2, अरे ये वाला खुशी, दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड, ओके गुड, नहीं मैंने नाराज नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ, सॉल्व कर लेते हैं, आप ये सॉल्व करो। अच्छा, लेकिन हमें तो रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, मतलब हमें खोज है v1 - v2 का, तो कैसे निकालोगे, दो इक्वेशन है, देखो v1 - v2 निकालने के लिए एक तरीका होता है, बताया था ना मैंने आप लोगों को, ऐसा इसको तोड़ सकते हो ना, नहीं, ये तरीका नहीं होता है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, इसको करोगे यहाँ पे कर दो a² + b² ये कर दो यहाँ पे, कितना करोगे पता है, 4v0 - 4v0 v1 v2, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देना, ये पता है आपको v1 v2 निकल जाएगा, वही आंसर है। दोबारा बताऊं, ठीक है, हाँ उससे भी आ जाएगा, सही बात है, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ना डायरेक्ट, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, हाँ इसको करना ही नहीं चाहिए, पेपर में आता है तो लास्ट में जब कुछ नहीं
ना नहीं करना भाई, सिक्स करो सिक्स। ये भी हम लोगों ने बहुत बार किया है। नहीं, डरना नहीं है, दोबारा ही बता सकता हूँ मैं। पैरालेक्स सिस्टम लगाइए। नहीं, पूरा पूरा ऐसा वैसा नहीं, नहीं चलेगा भाई साहब, सॉरी, पूरा निकालना। अच्छा, एक एक बात बताता हूँ, खुशी कहाँ गए? देखिए, हेलो करते हैं। अच्छा, डिस्क का खुद का कितना होता है? m² / 2, m/2, सुनते रहना, बहुत अच्छा तरीका बताऊँगा, लाइफ में कभी नहीं बोलोगे। m/2 m² तो ऐसे ऐसे कितने डिस्क हैं? 7। तो 7, तो 7 है तो उनका टोटल कितना होगा इसके अराउंड, मतलब खुद का कितना होगा उनका, खुद का ऐसे जोड़ोगे तो 7/2 m² / 2, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, आउटर सरफेस पे कितना है? 6। तो अच्छा सुनो, हम वो फॉर्मूला लगा रहे हैं,
तो अब मान लो कि ये 6 वाले का अगर इसके अराउंड निकालना, क्योंकि 7 में से 1 तो खुद ही सेंटर में है तो 6 आउटर पे है, मतलब थोड़ा समझने वाली बात है ना। देखो तो 6m 2/r² तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 24 48 7 55, 55/2 mr². हाँ चलिए, ये 55/2 mr² किसका पता है आपको? ये पॉइंट ओ, देखिए ये जो हमने, देखो मैंने क्या बोला सुनो, पहले तो आप ऐसे ऐसे 7 गोला बना लो, इसको समझ जाओगे ना तो आप, तो मैंने बोला देखो देखो आपके पास 2 तरीका है, अब तो कैमरा भी हो ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो कि कौर है 7, आपको दिख रहा है, पहले आप इंडिविजुअल का निकाल लो, इंडिविजुअल का होता है ½ mr², तो 7 है तो 7 × ½ mr², लेकिन हमें निकालना है इसके क्रॉस निकालना है, जो रेड पेन से कर रहा हूँ ना हमें उसके क्रॉस निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेटेड अराउंड दिस। तो 7 में से 1 ही तो है ये वाला, लेकिन 6 तो बाहर में है, तो उनके उनके लिए लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलता है कि इनका जो निकाला होगा ICM + m r² तो, लेकिन ICM कितना है यहाँ पे, ½ mr² जो हम लोगों ने ऑलरेडी काउंट लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी काउंट कर रखा हो तो हम केवल ए वाला चाहिए, तो m और 2 r² हाँ या ना, तो ए वाली वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो ऐसे ऐसे कितने हैं हमारे पास, ये हाफ नहीं होता है, 6 mr², 6m/2 r², ये आपको पहले समझ में आया कि नहीं आया, इसको पहले आराम से समझ लो सोच लो फिर बात करते हैं। आ गया ना, चलिए अब हमें P पे निकालना, P कहाँ दिया हुआ बताओ सर, कौन बताया P, P कहाँ दिया हुआ है? ए वाले पे, इस पे दे रखा है, ये डायग्राम देख रहे हो आप, पी दिया हुआ है, तो वहां पे कैसे निकालोगे? हाँ हाँ वही लगाएंगे, तो वही लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बताओ, अच्छा सुनो एक आपको मैं शॉर्टकट तरीका बताऊं, देखो सुनो सुनते रहना आप लोग, क्या आपने पूरे सिस्टम का, जो इसको समझ जाएगा वो सिकंदर है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं इट्स वेरी टफ नॉट सो सिंपल लगता है बच्चों को, 1 2 3, यार डायग्राम सही बन जाए यार, अभी हम लोगों ने सबका निकाला था, सेंटर पे कितना आया था ड्यू टू ऑल 50, क्या इसमें किसी को एतराज है क्या? चलिए ये ICM है, अब सुनो अब हमें क्या निकालना है, यहां पे निकालना है कि नहीं निकालना है, तो अब सुनो क्या करोगे, इन सबका टोटल हटाओगे तो कितना मास होएगा, 7 m, 7 m, और यहां से यहां डिस्टेंस कितना है 3, क्योंकि 2 r तो ये हो गया ना, तो आप ऐसा करो एक पॉइंट ले लो उसको यहां रखो 55/2 mr² प्लस 7 m 3 r का होल स्क्वायर, क्या दिक्कत है क्या? तो दिमाग ऐसे लगाओ और करो जल्दी से, चले आगे कर लो यार कर लो।
फिर आगे चले। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जो करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसका भी होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एसएल में आपसे करवाया होगा, अगर याद होगा तो आप लोगों को। बस सिंपल जोड़ घटाव है, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नथिंग एल्स। गुड, कितना आया भाई साहब? चलिए कैसे किया? अच्छा, टोटल मास कितना हो जाएगा बड़े वाले का? तो अच्छा, सुनो, 9m को सिग्मा के फॉर्म में कुछ लिख सकते हो क्या? मतलब सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? सुनो, हाँ ठीक है, जो छोटा वाले का मास कितना हो जाएगा, स्मॉल जो कटा हुआ है? हाँ, सिग्मा इंटू पाई आर बाई थ्री का, यस, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके इसको जब कोरिलेट करोगे ना, देखो सिग्मा पाई आर स्क्वायर की जगह पे ये कर दो, देखो सिग्मा पाई आर स्क्वायर का 9m रख दो, 9m बाई 9, तो कितना आ गया m, तो छोटे वाले का मास हो गया m, उसका मास। अच्छा अब क्या करोगे, कौन बताएगा? अच्छा बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन बताएगा? हाफ 9m आर स्क्वायर, यस, अच्छी बात है। अच्छा अब एक बात बताओ, हाँ छोटे वाले का निकालें क्या, किसके लोग निकालना है अभी?
हाँ यस यस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, ये अच्छा सवाल बताया उन्होंने। तो छोटे वाले का जो सर्कल जो कटा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर कितना होगा, हाफ एम, उसका खुद का रेडियस कितना है आर बाई थ्री का होल स्क्वायर, और मास एम 2 r/3 का होल। अब काम अपना आसान हो गया ना, कैसे करोगे सर? हाँ यस, आई विल बी इक्वल टू i1 + i2, वैल्यू पुट कर दो 9 m² - कर लो देखो, अब तो आ जाएगा, अब तो नहीं भूलोगे लाइफ में। ऐसे भी आप लोग को आता था ये, तो ऐसे भी आप लोग को आता था, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ा सा और क्लियर क्रिस्टल कंसेप्ट हो गया। चलिए 8 कीजिए भाई साहब, क्वेश्चन 8 कीजिए। अच्छा हाँ जी, आपका कितना आया था? थर्ड, आपने बोला थर्ड है आपका। आपका कैसे किया, ये तो करवाया था हम लोगों ने, आप बताइए कैसे किया। अच्छा कोई बात नहीं, एक बात बताओ सर, एम v² / r किसके बराबर है, फोर्स के? और क्या बोला उसने बताना, तो nth पावर बोला उसने। ये कैसा फोर्स है भगवान जाने। चलो ठीक, कोई बात नहीं, अब क्या करोगे बताओ। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, अगर यहाँ पे ओमेगा की जगह पुट करोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर एफ r^n। ऐसे सवाल आते हैं लॉजिकल, यहाँ पे r नीचे आ जाएगा तो r^n आ गया। आप टाइम पीरियड निकाल लो यहाँ से। किसको समझ में आया ये वाला कंसेप्ट, आया खुशी? ये आ गया, 2π/t कर दो। देखो ये वाला इसके बराबर ही हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो टी आर एन प्लस 1/2। यस हो गया। चलिए लाइन कीजिए,
हाँ आप बताइए। हाँ कैसे निकालेंगे? हाँ जी, ये तो बड़ा सिंपल सवाल है। के बराबर वो जो था ना, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, करोगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बी बाई वी विल बी इक्वल टू एम जी बाई के ए। फिर वी की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या होता है वी की वैल्यू? 4/3 पाई आर, चेंज निकालो जल्दी जल्दी से। फिर इसकी वैल्यू आप पुट कर दें क्या? हाँ सॉल्व करो जल्दी से। हाँ आगे आ जाओ, हम करेंगे ये वाला। हाँ नाइन के जी, हाँ ये तो आप लोगों को पता ही होगा, वी हैव डिस्कस वन कंसेप्ट ना, बड़ा सिंपल। तीन फॉर्मूला पर लिख लो, पी बी टू द पावर गामा है बराबर कॉन्स्टेंट, एक और पी बी बराबर, दो तीन फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। नहीं, गामा माइनस, अच्छा इफ यू हैव एनी डाउट ना हाउ टू राइट दिस फॉर्मूला, सिंपल लॉजिक, पी बी टू द पावर गामा विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एन आर टी, पी विल बी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी जल्दी से। एन आर टी आपको दिख रहा है साफ साफ कि टी वी गामा माइनस वन हो गया, वी की जगह पे क्या पुट करेंगे आप लोग? एन आर टी अपॉन वी, पी बराबर वी, ये वाली यहाँ पुट करोगे, आपको दिख रहा है साफ साफ पी वन माइनस गामा, ए वट 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 टी टू द पावर गामा, तीन इक्वेशन हो गया, ये वाला और ये वाला। जस्ट पुट, प्लीज कैलकुलेट कीजिए जल्दी जल्दी से। हाँ
आया क्या? खुशी कहाँ? जी, खुशी कहाँ गए? खुशी जल्दी कीजिए, खुशी कहाँ गए? अरे TI की वैल्यू कैसे निकालोगे? अच्छा हाँ ठीक है, सेक्शनाइज करना है। गॉट इट? यस यस। हाँ क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो गैस एक्सपेंड होगा। नहीं इसका निकालना है। कौन सा अगला वाला ना? मास दिया हुआ है और अच्छा हाँ ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा वाला। बताओ सर कौन कैसा गैस है? मोनोटॉमिक के लिए कितना होता है? बताया था मैंने आपको, एक के लिए देखो जनरल इक्वेशन ये होता है एनर्जी का, नंबर ऑफ मोल हाफ बाई टू आर डेल्टा टी। हाँ कीजिए कीजिए, ए ए वाले वैल्यू होते हैं। हो गया हाँ, माइनस ही आ रहा था। ठीक है क्वेश्चन नंबर आपका आया, खुशी का आया गया। इलेवन कैसे करोगे? अक्षत कीजिए, इलेवन कीजिए। अच्छा इसको कैसे किया एक्सप्लेन कीजिए, 10 को। हाँ हाँ जी ओके।
ठीक है, क्वेश्चन 11 कीजिए। हो गया 11 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं। खुशी कहाँ गए? खुशी इलेवन कर रहे हैं। क्या क्या दिया बताइए। बोला इसने प्रेशर ऑन द वॉल निकालना, तो मोमेंटम ही निकालना है। चेंजेबल मोमेंटम निकाल लो। कौन सा अंकल दे रहे?
एक सेकंड, आप लोग को जो जो दिया जा रहा है उसको करके रखिएगा आप लोग। ये तीन दिया मैंने, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। कौन सा आंसर है आपका? इसका आंसर फर्स्ट है, कितना? हाँ जी, 12th का बस फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिए, अभी छोड़ दूंगा मैं। कहाँ गया वो पेपर, कहाँ गया? एक सेकंड, क्वेश्चन में मिला ना आप लोगों को? मैंने आपको जो 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 दिया थोड़ा सो जल्दी से ओपन करो आप, एक सेकंड में आप थोड़ा सा ओपन करना। ओपन कर लिया आप लोगों ने? ये आपको बना के रखना है, जल्दी कीजिए।